तो वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे तो अभी सुबह का ना सात सवा सात ही हो रहा है और ठंडी के दिन में ना सुबह का जो सात सवा सात साढ़े सात ऐसा लगता है ना कि कितनी सुबह है क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है उसकी भी टाइमिंग चेंज हो जाती है घर में अभी सब लोग अंदर ही होंगे और जितनी भी लेडीज़ हैं वही उठी होंगी नाश्ता वास्ता बनाने के लिए बच्चों का स्कूल और हमें तो वो भी टेंशन नहीं क्योंकि जिया का एग्ज़ाम चल रहा है ना तो आज उसकी छुट्टी है और कल उसका एग्जाम था अब कल होगा तो ऐसे है कि एक एक दिन ना गैप कर कर के एग्ज़ाम हो रहा है तो ये अभी दूध लेने के लिए गए तो जैसे ही बाहर आए तो देखे यहीं दरवाजे पर ही मिट्टी मिट्टी था तो हम सोचे कि सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि झाड़ू लगा के ना इसको उठा लेते हैं नहीं तो फिर पैर पहर पैर ना फिर ये मिट्टी घर में आएगा पूरा घर गंदा करेगा तो इसीलिए सबसे पहले झाड़ू लगा रहे हैं और यहाँ से उठा लेते हैं और ये जो कंकूड़ा उठाने वाला है ना तो ये आरजू ही अपने घर के बाहर रखिए और इससे ना हमको भी काफ़ी हेल्प हो जाती है और हमको क्या सभी को हो जाती है जो भी बाहर झाड़ू लगाता है वो यहाँ से यूज़ करता है उसके बाद फिर ला के अपनी जगह पर रख देता है तो बस जितनी भी मिट्टी थी उसको फेंक चुके हैं और उसके बाद ना हम आ गए थे छत पर सुबह हो और छत पे नहाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरा ध्यान ना थोड़ा सा लगा रहता है कि हाँ चले देखे धनिया देखे टमाटर देखे यही सब है तो अभी धनिया भी तोड़ के लेके जाएंगे क्योंकि जो धनिया है ना वो काफ़ी टाइम से हम तोड़ रहे हैं यूज़ कर रहे हैं तो अब क्या है कि मोटी मोटी हो गई और अब होगा भी नहीं तो जो भी है उसे खाली कर देते हैं और इसमें अगर खाली हो जाएगा तो फिर से इसमें धनिया डाल देंगे अगर चाहे तो धनिया फिर से लग जाएगा वैसे तो बगल में आप देख रहे हैं कि धनिया ऑलरेडी तैयार हो चुका है थोड़ा बहुत अभी और होगा तो फिर तोड़ना स्टार्ट करेंगे और इधर का जो धनिया है वो हम लोग खा चुके हैं तो अभी जो लास्ट का है जो बड़ा बड़ा है ना वही तोड़ रहे हैं कुछ उसमें ना महीन भी है वो अभी और होगा तो इतना सारा तोड़ चुके हैं और उसके बाद नीचे आ गए ये दूध लेके भी आ गए और आज ना आज क्या आप लोग मुझसे कई दिन से कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन को उठा के ना छत पे रख लीजिए छत पे रख लीजिए लेकिन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि कभी ये नहीं हो रहे थे कभी हम ही कोई काम में बिजी थे तो यह सोचे कि आज कि लाओ ये भी करके और हटा ही देते तो यहाँ पर हम लोग वॉशिंग मशीन पहले तो खाली ही था तो खाली में ना उठाना थोड़ा सा इजी रहता है अगर इसमें सब भरा हुआ रहता है जैसे जो यूज़ किया हुआ क, कपड़ा रहता है ना वो हम वॉशिंग मशीन में ही डाल देते हैं तो फिर ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है और वॉशिंग मशीन को हम लोग लेकर ऊपर आ चुके हैं और वाकई बता रहे हैं इससे ना काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया रोज़ न बार बार नीचे से बाल्टी उठा उठा के ऊपर लाओ फिर यहाँ पर खंगालो फिर ड्रायर भी नहीं हो पा रहा था और ठंडी के दिन में तो अगर ड्राई नहीं करिए तो फिर सूखेगा ही नहीं दो दिन लगा देगा क तो इसीलिए ना यहाँ पे लेकर आ गए हैं और ये बाहर वाले बोर्ड में लगा रहे थे तो हम बोले ना कि बाहर वाला बोर्ड आ, क्योंकि आ, वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना तो पता नहीं लोड ले पाए नहीं ले पाए तो अंदर वाला जो है वो घर ही का है और वो हैवी बोर्ड जो भी होगा तो स्विच वो हैवी वाला है तो वो लोड ले लेगा ले तो ये अभी तार ऐसे ही लगा दिए हैं और वॉशिंग मशीन हम लोग वहाँ पे लगा दिए ताकि उसका जो पानी है ना वो आराम से नाली में चला जाएगा इधर नहीं भरेगा क्योंकि दरवाजे पर ही ना पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसीलिए और अभी घर में लाइट है ही नहीं तो वॉशिंग मशीन तो अभी ऑन करना ही नहीं है लाइट का इंतज़ार करेंगे तो तार ना उठा के फिर बाहर ही कर दिए थे क्योंकि दरवाज़ा बंद कर देंगे नहीं तो फिर बिल्ली घुस जाएगी तो परेशान करेगी तो यहाँ पर जो रखा हुआ था गोइठा वो काफ़ी दिन से गोइठा रख रखा हुआ था पहले हम सोचे भी थे कि गोईठा यहीं रखेंगे ताकि छत पे अगर कभी आग उग जलाना हुआ तो यहीं से ले लेंगे लेकिन अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन रहेगा ना तो गोईठा उठा के और नीचे रख देंगे तो नीचे हम पहुँच गए वहाँ तक फिर हमको याद पड़ा कि दरवाज़ा तो बंद किए ही नहीं है तो इसीलिए आधे पर से ही फिर हम ऊपर चढ़ गए थे और इनको नाश्ता वास्ता दे चुके थे ये नाश्ता करके ऑफिस भी चले गए थे और जिया अभी तक सो रही है और मेरे घर का ना ये एरिया सबसे गंदा था जो कि आते जाते गंदा लग रहा था लोगों को पता नहीं गंदा लग रहा था कि नहीं लग रहा था लेकिन हकीकत ये कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था और रोज़ सोच रहे थे कि इसको ना अच्छे से एकदम साफ करेंगे लेकिन साफ़ करने में ना एकदम हालत ख़राब हो गई एकदम कमर तोड़ वाला जो काम था ना आज वो था उतना सारा सामान बाहर निकालना साफ़ करना इसको फिर उठा के नीचे रखना सब सामान छाटना फिर करना तो बहुत मेहनत वाला था तो पूरा साफ हो चुका है और करते करते ही ना बहुत टाइम हो गया है। बजने में ना देखिए तो ग्यारह बजने में दस मिनट बाकी है ठीक हाँ, तो, है ठीक हाँ, है ठीक है, है हाँ ठीक तो जीसू ना बीन बैग का जो ऊपर वाला ने, जो ने, होता है ना हाँ जो भी है कि कवर वो पहले मंगाया था और अब उसके अंदर भरने के लिए अपना हाथ का वजन तो मंगाया था बोला था कि मम्मी तीन किलो का आएगा लेकिन ये आधा किलो भी नहीं <laughs> आधा किलो भी नहीं है बस देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा ना हल्का है तो चलिए इधर आ जाते हैं घर का बात कर लेते हैं इधर का ना पूरा साफ हो चुका है और पूरा सामान हटा दिए हैं और अभी इसमें क्या है एक तो सिलेंडर है और ये ना गेहूं का बोरा है जो कि कितने दिन से रखा हुआ इसको भी ना ऊपर पहुंचा के और धो के रख देंगे क्योंकि तो आटा खत्म होने वाला है इधर साइड में रख दिए हेलमेट है और रेन कोट है और झोला रख दिए हैं जैसे मार्केट वार्केट जाने के लिए ढूंढना पड़ता है ना तो वहां पे बाकी और कुछ भी नहीं है सब एकदम खाली कर चुके यहाँ से ना सूर एक वाला भी पूरा खाली कर दिए हैं और पूरा सूज ले जाके ऊपर धूप में रखे हैं। सब साफ ऑफ करके ना और उसके बाद फिर नीचे लाएंगे तो आज ना बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है और अभी झाड़ू एक बार यहाँ पे लगाए थे जो कूड़ा उठा रहे थे उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं लगा है झाड़ू पोछा लगाएंगे छत पे सब सामान ऊपर पहुँचा दिए और अभी हम लोग ना छती पर बैठे थे वहीं नाश्ता किए और अब लाइट का इंतजार कर रहे हैं लाइट नहीं आया तो खाना चढ़ाएंगे और खाना बनाते बनाते ही घर में झाड़ू पोछा जो है वो करेंगे जा बेटा तुम छत पे तो अभी टाइम जब हम देखते हैं ये घड़ी में ना हमेशा बंदे रहता है वो घड़ी उसको चेंज करेंगे वो बैटरी का प्रॉब्लम नहीं सब घड़ी में प्रॉब्लम है तो टाइम हो रहा है अभी पौने एक खाना वाना बन चुका है सबसे पहले ना हम खाना ही बनाए कि ऐसा ना हो कि सर आए और खाना ना बना रहे तो फिर फिर हंगामा हो जाए <laughs> हंगामा फिर गाना गाएंगे हंगामा एक बरपा तो हाँ वॉशिंग मशीन में ना एक बार डाल दिए थे क्योंकि लाइट बहुत लेट में आई थी तो एक बार का धुल चुका है अभी जा रहे हैं और ड्रायर में डाल के खंगाल के और डाल देंगे घर में झाड़ू उड़ू सब कुछ लग चुका है इधर हॉल का भी ना साफ ओफ सब कुछ कर चुके थे और बस अब नीचे का टेंशन नहीं है चलते हैं। अब वो बैटरी छोड़ दीजिए अभी जिया आके बैटरी दे देगी अब मेरा बच्चा तो हो रही जबकि उसकी तबियत नहीं ठीक है बोल रहे छोड़ दो हम आ रहे हैं अरे हम ट्राईपोर्ड भी नहीं लाए जिया छोड़ो तो छत पर आ चुके थे और जिया ना जितना भी एक बार हम धोए थे उसे खंगाल के और फिर तार पे डाल भी चुकी थी फिर हम उससे पूछे कि बेटा दो तीन बार खंगाली हो ना तो वो बोली नहीं मम्मी सिर्फ दो बार उसी में ही डाल के पानी चेंज कर कर करके खंगाले क्योंकि कभी की नहीं है इसीलिए उसको पता नहीं था तो फिर से तार पर से सब उतारे और उसके बाद अब फिर से खंगाल रहे हैं हम और जैसे साफ पानी में दो बार तो खंगाली चुकी थी तो बस ये है लास्ट वाला था तो हम बोले अच्छा ला दो हम खंगाल के और फिर से डाल देते हैं फिर ये आ गए हैं और नीचे से ना ये लोग टेबल भी लेकर चले आए हैं और ये छतरी लेकर आए थे और बहुत दिन से छतरी ये रखी हुई थी हम लोग के पास और इनका ना ये शौक़ था कि जब हम लोग घर शिफ्ट कर जाएंगे नए वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ना फिर ये लगाएंगे ऐसा लगाएंगे ये हर किसी का अरमान होता है अपने घर के लिए अपने खुद की घर के लिए तो बस वही था तो आज हम लोग सोचे लाओ ये भी लगा लगाते थे तो ये लोग मिल के दोनों लोग लगा चुके हैं और उसके बाद ना इधर हम खंगाल भी चुके हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि तार पूरा खाली अभी मेरी बच्ची सही बता रही जिया इतने मेहनत अब जो काम कोई ना किया हो लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए कोई काम कर रहा हो और फिर ऐसा हो तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही मुझे भी बुरा लग रहा था लेकिन न वैसे छोड़ भी नहीं सकते थे ना तो फिर दोबारा खंगाल के और ड्रायर में डाल चुके हैं और ये ना खाना मांग रहे थे अभी हम नीचे बोले कि खाना दे दे तो बोले नहीं अभी हम काम कर रहे हैं और उसके बाद ना फिर खाना खाएंगे क्योंकि इनको छतरी लगाना था तो अब हम जब काम में हाथ लगा दिए तो इनको खाना चाहिए तो जिया गई है अभी वो इनको खाना खिला देगी और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे बहुत ही छोटा सा ब्लॉग था क्योंकि बहुत मेहनत मेहनत थक गए थे तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई थी और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा बाय बाय अल्लाह हाफिज़